में, और 11th हाउस इज हाउस ऑफ लक लाइन, वहाँ लक किस्मत के घर में अगर मार्स का अपीयरेंस हो तो ट्रैवल किया जा सकता है, और वो ट्रैवलिंग काफ़ी सूदमंद भी साबित होगी, लेकिन इसका टाइम तकरीबन अक्टूबर के बाद होएगा, फिलवक्त इसका टाइम नहीं है। सही है, लेकिन अगर उससे पहले किसी वजह से मूव करना है, ड्यू टू एनी नीड, ड्यू टू एनी डिज़ायर, ड्यू टू एनी कोई ज़रूरत है तो करना चाहते हैं, तो फिर सूर्य लाजमीन है, फिर सूर्य तारक पड़े। अच्छा, सूर्य तारक इस तरह की हालात पैदा करती है कि सफरी जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकती है। एंड साथ में एज ए एरीज अगर ब्लू सफायर पहना जाए, डायमंड या एमेथिस्ट पहना जाए, तो ये ऐसे स्टोन हैं जो उनके लिए सोलर सिस्टम को भी उनकी फेवर में कर देंगे। हम लोग, हाँ जी, अच्छा एक और कॉल है हमारे साथ, इसलिए मैं कही थी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं कराची से हिना बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत हल्की है। मैं कराची से हिना बात कर रही हूँ। अच्छा, कराची से हिना बात कर रही है। जी हिना, क्या पूछेंगी? जी मुझे अपने बारे में पूछना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1987। कल आज है आपकी बर्थडे? जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अल्लाह तो ये बोले ना, आज मेरी बर्थडे है। जी आज मेरी बर्थडे है, मगर मुझे अपने बारे में भी पूछना है। नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि आज आप कैसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं? अच्छे सेलिब्रेट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ। हाँ, अपने मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए क्या पूछेंगी? जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। बताइए, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, शादी के बारे में बताइए। मैं पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, कैसा? एक मिनट, अभी सवाल। हेलो हेलो। जी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे मास्टर्स के बारे में बताइए। मास्टर्स के बारे में पूछना है, शादी के बारे में पूछना है? जी पर शादी का पूछ लिया ना, बाकी चीजें पूछना बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है भाई? पढ़ाई भी जरूरी है। बस बस यही पढ़ लें आप, बस शादी के बारे में पूछे। और क्या पूछेंगे फ्यूचर के बारे में? बस यही पूछना है कि मैं मतलब मास्टर्स कर रही हूँ, मेरा कैसा रहेगा, और यही बस पूछना है मुझे। और अगर मैं अपने भाई का पूछना चाहूँ तो आप बता दीजिए, या बस ये ही बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएंगे। मेरे भाई हैं अब्दुल रहमान, और उनकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1992। नाम क्या है उनका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ओके ओके जी। प्लीज इनके बारे में बताएं, ये पढ़ते हैं जहीन है मगर दिल लगा के नहीं पढ़ते, और पढ़ रहे हैं मतलब इंटर में है, मतलब इनका बताएं ये क्या है, मतलब बहुत जिद्दी गुस्से वाले, थोड़ा इनके लिए कुछ बता दें। जी जरूर। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। हिना खुद कैप्रिकॉन है, और जैसा मैं अक्सर शोज में जिक्र कर रहा हूँ कि 2012 कैप्रिकॉनियंस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा, स्पेशली फीमेल कैप्रिकॉन, स्पेशली फीमेल कैप्रिकॉन, आई एम नॉट फीमेल, एंड कैप्रिकॉनियन स्केल्स में 4 अप्रैल इज द राइट टाइम जब उनको जुपिटर फेवर कर रहा होगा, और जुपिटर की ये पोजीशन उनके लिए लक इन्हांसमेंट, हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ, कैरियर एंड दीगर कई चीज़ों के लिए मुफीद होगी। एंड हिना इज आल्सो क्रिएटिंग सम एडवांटेजेस ऑन द बिहाफ ऑफ जुपिटर, बिकॉज के उनकी जिंदगी के बड़े फैसले इस साल होने जा रहे हैं, लाइफ पार्टनरशिप इस साल फुलफिल होने जा रही है, और आमना की बात को ही मैं सेकंड करूंगा कि शायद उनको फिर आगे पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन हकीकत यह है कि कैप्रिकॉनियन सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, उसको डिग्री कॉन्सेप्ट से ना रोल करें, लेकिन उनकी मिकदार ज़्यादा सीखने की रहती है। आखिरी चीज़ जो मैं इनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा, जो कि इनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी एसेंशियल है, वो ये कि कैप्रिकॉन पीपल को इस साल कुदरती तौर पर सक्सेस रेशो बढ़ा हुआ मिलेगा, सो ये साल फारग बैठ के सुस्ती और काहली से ना गुजारें, इस साल में ज़रूर कोशिश करें कि वो प्रैक्टिकल होएं, जुरत और करेज का मुजाहरा करें, अगर ये चीज़ें वो कंसिडर करते हैं तो इससे कामयाबी बढ़ेगी, और ये कामयाबी कई सालों तक उनके साथ है। सही। अच्छा, आपके भाई के लिए अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जो और कॉलेज होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, अगर टाइम होता तो बता देते। अगर अभी बीच में कोई टाइम आएगा तो मुझे याद है अब्दुल रहमान 1982 5 जुलाई था आई थिंक, बिल्कुल, तो वो हम जरूर बता देंगे। अभी मेरे साथ एक कॉलर है, उनका ज्यादा जरूरी है कॉल अटेंड करना, इसलिए आप पर आपके भाई का थोड़ी देर बाद बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद महमूद अर्ज कर रहा हूँ सांगर से। जी खालिद साहब। जी आरिफ साहब से मालूम कर रहा था अपने फ्यूचर के बारे में। कीजिए। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 77। ये सारे आज जनवरी के, जनवरी बॉर्न हमें कॉल कर रहे हैं। फाइनेंशियली जो है ना वो एक तो ये मुल्क के हालात की वजह से अपना फ्यूचर जो है ना मुस्तकबिल अपना अच्छा नजर ही नहीं आ रहा, बच्चों का तो और से ज्यादा जो है ना वो खतरनाक नजर आ रहा है।
कि ये कि ये कब तक हालात अच्छे हो जाएंगे मुल्क के, और स्पेशली मेरे अपने रोजगार के हवाले से लॉन्ड्री का काम जो है ना मैं करता हूँ, और स्पेशली बाहर जाना चाह रहा हूँ कि आया कि वो जाना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, या यहीं कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, इस पर प्लीज कुछ कमेंट दे दीजिए। और उसके अलावा ये स्टॉन के बारे में बता दीजिए, ये कौन सा सुटेबल रहेगा, और इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हारिस, खारिस साहब एक क्यूरियस हैं, दे क्यूरियस पीपल आर वेरी जीनियस, दे हैव अ लॉट ऑफ 20 जनवरी बोला है उन्होंने। हाँ तो 19 से क्यूरियस हो जाएंगे। नहीं क्यों हो जाते हैं भाई? नहीं कैप्रिकॉन, मेरी फ्रेंड 20 जनवरी है, वो कैप्रिकॉन है। लेट मी चेक वंस अगेन, बट 19 जनवरी को कैप्रिकॉनियन एक्यूरियस में बदल जाता है। कैसे? 24 दिसंबर से जो टाइम शुरू होता है वो 19 तक ही सही काउंट। नहीं नहीं नहीं, कैप्रिकॉन ही होते हैं, इनसे पूछे। मैं आपको कह रही हूँ जब कैप्रिकॉन ही होते हैं 20 जनवरी वाले। अच्छा मेरी बात सुन ले और उस दायचे को फाइनल कर लेने दे। एक्यूरियस है एंड एक्यूरियस है, कैप्रिकॉन है, जायचा खत्म कर लेने दे, फिर मैं इनके क्लास ले लेता हूँ। क्यूरियस एबिलिटीज के एतबार से इस वक्त प्लेनेटी सेटअप उनको काफी फेवर कर रहा है, और इस फेवर में नो डाउट अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें कुछ पॉजिटिव रुझान आते हैं, बट द पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट है वो जून के महीने से तकरीबन स्टार्ट होगा। उस जून के महीने में जो जुपिटर है वो इनके लिए माशी हाउस में इनको फेवर कर रहा होगा। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। जहाँ तक रही मुल्की हालात की बात, तो ये 2012 इज आल्सो क्रिएटिंग सम पॉजिटिव इफेक्ट्स इन आवर एटमोसफेयर, इन आवर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इन आवर दीगर जो सोर्स ऑफ इनकम है। सो 2012 काफ़ी बड़ी तब्दीलियों का साल है। लेकिन खालिद साहब को मुल्की हालात के बारे में, हर पाकिस्तान को पाकिस्तानी को परेशान होना चाहिए, लेकिन हकीकत में खालिद साहब को अपनी फिक्र इसलिए ज़्यादा करनी चाहिए कि उनको इस साल काफ़ी जिम्मेदारियाँ निभाना है, और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और उस प्रॉपर प्लानिंग का सही इस्तेमाल वो जून के महीने में कर सकेंगे। उससे पहले जो चीज़ें उन्हें अवेलेबल होंगी उनमें स्ट्रगल ज़्यादा होगी, लेकिन जो कामयाबी है वो थोड़ी सी कम होगी। अगर वो एज ए क्यूरियस एक्वामेरीन पहने, टर्मालीन पहने, या बैरूज नाम का एक पत्थर कैप्रिकॉन वो पहने, तो उनके लिए काफी कैप्रिकॉन ही है। आप कैसे कह सकते हैं आप भाई, जब अगले लोगों से पूछा आपका स्टार क्या, वो कहते हैं कैप्रिकॉन डेट ऑफ बर्थ क्या, 20 जनवरी। अगर किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी हो और वो आमना से जायचा बनाए तो वो अपने आप को कैप्रिकॉन ही समझे। नहीं नहीं तो फिर तो मैं लोगों के डाउट क्लियर कर दूं ना जाके। क्लियर कर दे। हाँ मैं कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, और अगर देखे नेक्स्ट टाइम मैंने किसी का टीवी का वॉल्यूम ऑन देखा ना तो वो कॉल कट जाएगी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाजी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ना भाई हाथ से पूछना चाहती हूँ, मेरी डेट और बर्थ है 26/1993 अपनी शादी के बारे में। जरा ऊंचा बोल लें। हेलो। हाँ हेलो आ रहे है। हेलो पहुंच रहा है मेरे तक, लेकिन आगे वाली बात नहीं पहुंच रही। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1993 1993 जी 93। और मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके अच्छा, बस यही पूछिए जी, बस यही पूछिए। किसी से करना चाह रही है जी? इसी माह में वो कह रहे हैं। कौन कह रहे? जो आपसे शादी करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि इसी महीने करनी है जी। हाँ तो आप पूछना चाह रही हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ यही पूछना चाहती हूँ। अच्छा अगर फर्ज करें हारिस ने कहा नहीं होगी और हो गई, वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, जो होना है तो वो तो। हाँ तो ये महीने का नहीं बता सकते, ये बता सकते कि इस साल आपकी शादी होगी या हाँ, नहीं? यही पूछना है, यही पूछना। हाँ चलें ठीक है, आप तो बहुत जल्दी में महीने के चक्कर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। हारिस इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? मतलब आपको पता है मैं कितने दिनों बाद एंजॉय कर रही हूँ शो पे? मैं इतने दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, तो मैं सुबह सुबह बड़ी सुस्त हुई होती थी, ये आप आए बाहर आई जी। चलिए थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। बहरहाल शी इज अ लिबरल लेडी, और एज अ लिबरल शादी बहरहाल बहुत जल्दी है, लिहाजा आपको अगर जल्दी
का कोई ऑफर है तो मेरे एतबार से उसे कंसीडर करना चाहिए। स्टार पोजीशन में जिन सितारों की सपोर्ट से शादियां कामयाब होती हैं, जिन सितारों की सपोर्ट से शादियां होती हैं, शादियां आकर होती हैं, वो सब सपोर्ट इस वक्त आपको अवेलेबल है। वीनस इज सपोर्टिंग अलॉट विच इज क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, एंड मून इज अवेलेबल, मून इज क्रिएटिंग गोल्डन सीजन। जुपिटर इज अवेलेबल, जुपिटर इज क्रिएटिंग लक लाइन, एंड मार्स इज अवेलेबल, दैट इज क्रिएटिंग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें उनको मुयसर आएंगी, तो अगर एक डेढ़ महीने, दो महीने या जितनी भी जल्दी हो सकता है शादी करने की कोशिश करें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जबकि 2 फरवरी 2012 सन से उनका अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। ये अच्छा दौर उनके लिए दीगर जिंदगी की खुशियों का बायस भी बनेगा। लेकिन शादी से पहले तमाम पेयर्स को ये मैं तलकीन कर लूं, बात पूरी कर लेने दिया करें। आपका एक कपल्स कहते हैं, कपल्स को, तमाम कपल्स को जो शादी के एज पर होती है। अच्छा, आज मैं शराफत का इजहार कर रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं लोग शरीफ रहने देंगे। मुजाहिरा, इजहार नहीं, शराफत का मुजाहिरा, गलत उर्दू मत बोलिए। अच्छा, आखिरी चीज खत्म करके फिर मैं अलामा साहब से बात करूंगा लेकिन मैं एक चीज़ जो ज़रूरी है वो मैं ख़त्म कर दूं। तमाम वो लोग जो शादी के एजेस पर हैं उन्हें सूरह यूसुफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। सूरह यूसुफ इज़ क्रिएटिंग सम अट्रैक्शन, सम खैर और बरकत, एंड सूरह यूसुफ इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम मैच्योरिटी, जिससे जो पेयर परफॉर्मेंसेज हैं उसमें अच्छा हर कोई पढ़ सकता है शादी के लिए। सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, आप पढ़ते हैं रोज ऑब्वियसली। जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी मोहब्बत की जरूरत है। ओह अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद कि नए प्लान हैं आपके 4 बच्चों के बाद अच्छा आपने मुझे अलामा क्यों बोला? तभी लोग कहते हैं कि घर के भेद किसी को नहीं देने चाहिए। अच्छा, तो आपने मुझे अलामा इकबाल बोला। अलामा इकबाल नहीं, अलामा, अलामा बोला तो इकबाल भी कह देते, क्या हो जाता? आमना इकबाल कह देता अगर जरा सी मुझे होती। आमना इकबाल कह दें, कोई मसला नहीं है, मैं अलामा इकबाल से आमना इकबाल बन जाती हूँ। तो मेरी प्रेडिक्शन। अच्छा, किसी अली इकबाल की कॉल है, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। आप अली इकबाल बोल रहे हैं? जी जी, तो हारिस साहब से बात कर रही है। अच्छा, मुझे उन्होंने बिल्कुल मुझे इग्नोर कर दिया, चले आप करें हारिस साहब से बात जी। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम, डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 76। 28th of May 1976। ठीक है, ठीक है अली भाई। और टाइम का अंदाजा है कुछ? ये तो कोई पता नहीं खास। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? बस यही पूछना है कि इस साल क्या शादी वगैरह हो जाएगी? हाँ? आप अनमैरिड हैं अभी तक? जी, ठीक है सर, मैं अभी चेक करता हूँ। आप ऑन एयर सुनिए जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इज अ जेमिनी पर्सन, एज अ जेमिनी होमलैंड पर रहना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर होमलैंड से अवे जाते गाय पे चले गए तो उनका जाना बेहतर रह सकता था और उनकी बेहतरी फिर उनके लाइफ पार्टनरशिप की सूरत में भी सामने आती, बट होमलैंड पर थोड़ी स्ट्रगल है। आई होप सो उनको सोशल सर्कल इंक्रीज करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ सोशल सर्कल, बिकॉज के उनको इस वक्त सन सपोर्ट कर रहा है एंड ये नए वे आउट्स देगा, नई प्लानिंग देगा, नई करेज देगा। और सन इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम वार्म स्किल्स, जिसके एतबार से इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। जो चीज़ें पेंडिंग में जा रही होती हैं अपनी वीकनेसेस की वजह से, अपनी सुस्तियों की वजह से या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, वो सूरज से रिपेयर हो जाती हैं एंड सूरज इस वक्त उन्हें सपोर्ट करना शुरू हो चुका है। सो अगर वो एफर्ट्स करें तो लाइफ पार्टनरशिप अचीव कर सकते हैं। देर इज़ नो रेजिस्टेंस, मुझे नहीं यहाँ पर किसी भी तरह की सुपर नेचुरल रेजिस्टेंसेज नज़र आई, ना कोई ईवल स्पेल था, ना कोई डाउनफॉल था। तो इतना लेट उन्होंने शादी क्यों करी इसको मैं समझ नहीं पाया। समटाइम शादी जैसे वो 76 की पैदाइश है, सुकून में बैठना चाह रहे हैं तो आप क्यों उनको सुकून में रहना चाहते थे वो, अब उन्होंने सोचा होगा। हाँ, दिस इज वेरी नाइस। हाँ, ऐसा ही है, सुकून अगर उनकी जिंदगी में था तो कोई बात नहीं, अब वो चाह रहे होंगे सुकून थोड़ा सा हिले मेरा तो उन्होंने कहा होगा मैं शादी कर लेता हूँ। मैं इस बात को जरूर सेकंड करूंगा। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन हकीकत यह है कि दिस इज द राइट टाइम। अगर वो प्लान आउट कर चुके हैं अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए तो यहाँ किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। फिर भी अगर उनको एफर्ट करने में मुश्किलात हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो सुरेश यूसुफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले सकती हूँ?
यू कैरी ऑन प्लीज। ओह अच्छा ठीक है, ये तो चाहते हैं कि मैं ब्रेक लूं और ये यहाँ से जल्दी भागे। आज उन्होंने कहा छुट्टी का दिन है तो आज मैं घर जाके अपने बच्चों के साथ सोऊंगा, ये अजीब बात इन्होंने की। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ एक नई गेस्ट होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, हारिस पे तो अभी बिजली वाकई गिरने वाली है क्योंकि दो बहुत ही प्यारी सी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, तीसरी आई नहीं है, दो मैंने अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाजिया खान, मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सेम है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? आज आप बहुत खुश हैं इसीलिए मैं भी बहुत, आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हारिस जो है ना मेरी, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ की, इन्होंने बताया कि कहीं गए थे वहाँ मेरी तारीफ हो रही थी और फिर ऐसी कंजूसी से बता रहे हैं कि अच्छा बस कहा अच्छी थी बस, अब मैं ताकि मैं और क्रेव करूँ कि अच्छा प्लीज मुझे बताएं और क्या कहा और क्या कहा। ये हारिस की आदत है। अच्छा और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। नया साल कैसा? नया साल अच्छा जा रहा है मेरे लिए। अच्छा कैसा गुजारा न्यू ईयर? न्यू ईयर बेसिकली मैं बहुत वो खामोशी पसंद, मींस के वो चिल ज्यादा नहीं किया बट घर में सब लोगों के साथ एंजॉय किया। अच्छा मुझे ये बताएं शाजिया कि आपने करियर कब अपना स्टार्ट किया? मॉडलिंग से स्टार्ट किया, कमर्शियल से स्टार्ट किया, कैसे आई इस फील्ड में? स्टार्ट तो मैंने मॉडलिंग से लिया था और फिर इत्तफाक से मुझे एक ईद प्ले था पीटीवी। अच्छा। का